जय हिंद साथियों, टेली आरपी नाइन के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर्स, गोडाउंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उसको अनेबल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप इन्वेंट्री इन्फो में जब आप गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और गेटवे ऑफ टैली से जब आप इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के डायग्राम दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आपको ना यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रहा है, ना गोडाउन दिखाई दे रहा है। अगर गोडाउन नहीं होगा तो हम सामान कहाँ पर रखेंगे अपने कंपनी का, तो हमको उसकी भी ज़रूरत है। तो साथ साथ और कौन सी कैटेगरी की है, जो हमारा वस्तु है किस कैटेगरी में आएगा, तो उसकी भी ज़रूरत है। तो हम पहले उसको अनेबल कराएंगे। तो उसके लिए F11 प्रेस करते हैं, और जब F11 आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कंपनी फीचर्स दिखाई देगा। इसमें हमको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स पर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर में आप देखेंगे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको हमको यस कराना है। जब आप यस करा देंगे तो वहाँ पर गोडाउन का आ जाएगा। साथ साथ मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, अब इसको भी यस कर देंगे तो वहाँ पर जो आपका स्टॉक है उसकी कैटेगरी के लिए भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करा देगा। इसके बाद हमको इंटर करते हुए चले जाना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नो है उसको अभी नो रहने देंगे। क्या होता है, यदि आप इसको यस करा देंगे तो आपके सामने इतने ऑप्शंस हो जाएंगे कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर हम आके यस करा लेंगे, अपने ऑप्शंस को अनेबल करा लेंगे। तो इसको यस करके हम पहले इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इंटर कर दिया और एक्सेप्ट हो चुका है। अब स्किप के माध्यम से पीछे चले जाएंगे। अब देखिए इन्वेंट्री इन्फो में अब हमारे पास कैटेगरी भी हो गया है और गोडाउन भी हो गया है। तो सबसे पहले हम जो है इन्वेंट्री इन्फो में जो बनाएंगे वह बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर्स का। यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होता है, एक मापक होता है कि किसी वस्तु को कैसे हम माप सकते हैं। अगर वह काउंट करने के लिए है तो पीस में गिन सकते हैं। यदि ऐसा सामान है जिसमें आप वजन किया जाता है तो उसके लिए केजी में बनाएंगे। और कोई ऐसा सामान है जिसको आप द्रव्य है जिसको हम मापते हैं तो उसके लिए हम लोग लीटर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप यूनिट ऑफ मेजर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं तो सिंबल में एक चिन्ह पूछ रहा है कि क्या होगा उसका चिन्ह, जो आपका सामान है जिसको क्या करना है, हमको काउंट करना है। तो उसके लिए जो अगर पीस में है तो हम लोग क्या लिख देंगे, पीस लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पीस। फॉर्मल नेम में जो भी आपको देना होगा, पीसेस देना होगा, पीस पिक देना होगा, जो भी देंगे हो जाएगा। लेकिन सिंबल और फॉर्मल नेम एक नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, पीस में कोई दशमलव नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको जीरो ही रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बन चुका है, देखने के लिए आप डिस्प्ले के माध्यम से यहाँ से देख सकते हैं। इसके करके हम पीछे चले जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे गोडाउन। गोडाउन किस लिए बनाया जाता है, गोडाउन बनाया जाता है अपने सामान को रखने के लिए कि किस गोडाउन में सामान हम रखेंगे। आप एक गोडाउन बना सकते हैं, एक से अधिक गोडाउन बना सकते हैं। तो आप गोडाउन पर आएंगे, इंटर कर देंगे और क्रिएट पे आएंगे। अगर पहले से बना होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन मेन लोकेशन करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रूप से बना होता है। लेकिन आपको अलग से बनाना है तो क्रिएट पे आएंगे और क्लिक कर देंगे। तो अपने गोडाउन, आपका गोडाउन कहाँ पर है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि सिद्धार्थ नगर, और इंटर के नीचे आ गया। इसको क्या मेन लोकेशन में रखेंगे या प्राइमरी में रखेंगे, अगर मेन लोकेशन ये नहीं है आपका तो रहने दीजिए, प्राइमरी रहने दीजिए और इंटर के नीचे चले जाइए। ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए एक गोडाउन और रखना है जो कि किसी दूसरे जगह पर होगा। जैसे मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ चिलिया के नाम से कि मैं चिलिया में एक गोडाउन रखूँगा, चिलिया हो गया। और इसको भी प्राइम में रखा हूँ और इंटर कर लिया। तो इस प्रकार जो है हमारे पास जो है दो जो है हमारे यहाँ पर देखिए गोडाउन बन चुका है, चिलिया के नाम से और सिद्धार्थ नगर के नाम से। तो दो जगह हमारा गोडाउन हो गया है। मेन लोकेशन हमारा अभी कुछ नहीं है, किसी को नहीं सेलेक्ट कराया है। तो ये दोनों चीज़ें होगी, यूनिट और गोडाउंस। अब बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी में। कैटेगरी का हिंदी होता है श्रेणी। जो भी आपकी वस्तु है वह किस श्रेणी में आती है, मान लिया जाए कि आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी में आपका हो जाएगा मोबाइल। इस अब देखिए जैसे आप इस पर आते हैं तो आपको दो चीज़ें मिलता है, सिंगल कैटेगरी और मल्टीपल कैटेगरी। तो हम सिंगल कैटेगरी बना लें इसलिए ऊपर यहाँ जहाँ क्रिएट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। नेम में लिख देंगे कि कौन सी आपकी कैटेगरी है। तो आप जैसे कि मोबाइल का कैटेगरी मोबाइल होगा तो इसमें लिख देंगे मोबाइल, और अंडर में प्राइम रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा कैटेगरी भी क्रिएट हो चुका है, डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हैं। इसी प्रकार स्टॉक ग्रुप,
स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जो आपके आइटम्स होते हैं उन सभी के ग्रुप का क्या नाम होता है, जो आपका स्टॉक है उसका ग्रुप का नाम क्या होगा। मान लीजिए अब कैटेगरी मोबाइल हो गया, अब ग्रुप में क्या होगा, जैसे सैमसंग, तो सैमसंग हमारा ग्रुप हो गया। अब उसके नीचे जो आएंगे वो सब आएगा आइटम्स में, तो जैसे कि सैमसंग J2 हो गया, J7 हो गया, M31S हो गया, 31-2 हो गया, तो ये सब क्या है, ये मोबाइल का नाम है, लेकिन इन सब के ग्रुप का क्या नाम है, सैमसंग है। और सैमसंग किस कैटेगरी में आएगी, वह आएगी आपकी मोबाइल्स में। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में हम लोग बनाएंगे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये सब चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जैसे सैमसंग, और यदि GST का डिटेल यहाँ पर हम लोग दे देंगे तो अंदर जो है इसके बाद जो आइटम्स बनाएंगे उसमें हमको GST का डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम लोग यहाँ पे दे दे रहे हैं। बार बार भरने से अच्छा है कि एक ही बार भर दिया जाए। तो आप यहाँ पर इसको यस करके इंटर कर देंगे, और यहाँ से इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर टेक्सटेबिलिटी में टेक्स्ट टेबल कर देंगे। अगर टेक्स्ट टेबल कर देंगे तो इसका मतलब यह होता है कि यह कर योग्य है, और नील रेट कर देंगे तो यह होता है कि जो 0% जिस पर टैक्स होता है उसके लिए नील रेट रखा जाता है, और एग्जेम्प्ट में रखेंगे तो ये जो है आपके GST के कैटेगरी में आता ही नहीं है, उसके लिए होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर टैक्स टेबल रखेंगे और नीचे आ जाएंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है कि कितने परसेंट का IGST लगता है आपका, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 28। इसके बाद केस पूछता है, केस का मतलब होता है उपकर, यदि इसके अलावा भी ऊपर से कोई कर और आपसे लिया जा रहा होगा तो आप यहाँ पर भरेंगे, वरना भरने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही रखेंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो मेरा सैमसंग का बन चुका है। इसी हिसाब से मैं एक वीवो का बना लिया, वीवो, और ये भी, और इसको अभी GST डिटेल भरना, आपको यहाँ से यस कर दीजिए, यहाँ से टैक्स टेबल करना होगा, यहाँ पर भर दीजिए कितना परसेंट लगता है, GST जितना परसेंट हो उतना परसेंट भरने के बाद नीचे आएंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस प्रकार बनकर ये भी तैयार हो गया। देखना हो तो डिस्प्ले में आकर देख सकते हैं, सैमसंग और वीवो दो जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका ग्रुप। अब आइटम, स्टॉक आइटम पर क्लिक करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपने स्टॉक आइटम्स का नाम लिखना, जैसे कि मैंने लिख दिया सैमसंग J2। अब सैमसंग J2 मोबाइल हो गया, अब ये किसके अंतर्गत आता है, ये सैमसंग के अंतर्गत आता है। कैटेगरी कौन सी होगी, तो ये हमारी कैटेगरी होगी मोबाइल, और पूछ रहा है यूनिट, यानी कि इसका मापक क्या होगा, तो इसको हम पीस में गिनते हैं, इसलिए पीस सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट मीजर्स में जाकर हम लोग बनाए थे यूनिट्स में, तो वहाँ से यहाँ पर शो कर रहा है। GST अप्लीकेबल कह रहा है, क्या GST अप्लीकेबल रहेगा, जी हाँ GST लगेगा, इसलिए GST अप्लीकेबल कर देंगे। सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर सैमसंग के बनाए थे ग्रुप, उसी समय जो है हम लोग ने GST का डिटेल दे दिया था, और इसको हम सिलेक्ट कराएँ, इसलिए जो है ये हमको दिक्कत नहीं करेगा, उसी से उठा लेगा। तो इसको नो ही रखते हैं, भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, जो चीज़ आप सप्लाई कर रहे हैं वह क्या है, गुड्स है या सर्विस है, तो मोबाइल एक वस्तु है इसलिए इसको रखेंगे गुड्स में। नीचे चले आएंगे, क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी में आप अपने इसको रखेंगे, तो मान लिया जाए कि मैं 100 पीस रखूँगा, तो मैं 100 पीस यहाँ पर कर लिया। इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब इसमें आपको देखिए दो जगह दिख रहा होगा, एक जगह तो आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा जहाँ पर आपको डिटेल भरना है कि कितना है, साथ ही साथ इस साइड में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे गोडाउन्स का नाम आ गया कि किस गोडाउन्स में आप रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे जिस गोडाउन में रखना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लिया जाए सैमसंग J2 आप रखना चाहते हैं सिद्धार्थ नगर में, तो सिद्धार्थ नगर को जो है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर पर क्लिक कर देंगे दो बार यहाँ पर, और आ जाएगा। इसके बाद पीस यहाँ पर आ गया है हमारा क्वान्टिटी। अब रेट, एक J2 का, सैमसंग J2 का कितना रुपया होगा, मान लिया जाए 7000 का आ रहा हो तो 7000 भर देंगे, यानी कि एक पर पीस ये रेट है 7000। और देखिए यहाँ पर जो है हमारा कैलकुलेशन करके बता दिया कि जो है इस हिसाब से आपका जो है 7 लाख रुपया होगा, और इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखना हो तो आप यहाँ से डिस्प्ले के माध्यम से इसको यहाँ से देख सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने इसको यहाँ पे 100 पीस दिया, ये कहाँ पर होता है, ये होता है जब आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और आएंगे स्टॉक समरी पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया सैमसंग और सैमसंग J2 कितना पीस है, 100 पीस, रेट उट सब लगा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे आ गया यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले
वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप सभी वीडियोस को देख पाएं।